थोड़ा सा उधर हो जाए। हाँ जी हाँ जी, हम थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। माया से वही बच सकता है जिसने श्री जी का आश्रय ले लिया है। माया की इतनी सामर्थ नहीं कि श्री जी के भक्त को नष्ट कर सके। भविष्य में सावधानी रखनी है कि अहंकार केवल श्री जी के अपनेपन का हो, कोई गुण का कोई साधना का अगर अहंकार हुआ तो माया जाएगी। अहंकार ही माया है। देह का अहंकार, धन का अहंकार, बुद्धि का अहंकार या किसी भी गुण का अहंकार होगा तो माया किसी और की नहीं है, भगवान की है ना। वो भी मायापति कहे जाते हैं ना। हाँ, मायापति। और श्री जी किन के हैं? लालजू की तो है ना। परम धन श्री राधा किशोरी जू लालजू के हृदय का धन है दोनों। तो हम जब अगर अहंकार करेंगे, किसी भी तरह की मलिनता करेंगे, तो फिर माया बख्शेगी नहीं। अगर हम श्री जी का आश्रय लेकर जैसे चलना चाहिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सत्संग में शास्त्र में वर्णन किया जाता है। अगर ऐसे चले तो फिर माया स्पर्श नहीं कर सकती कि वो माँ की तरह दुलार करेगी। ये माया ही तो है, ये सब माया ही तो है। लेकिन देखो, ये बाधा तो नहीं पहुँचा रही ना, ये माँ की तरह दुलार। और जब हम गलत चलने लगते हैं और गलत अहंकार कर लेते हैं, सब फिर माया नहीं बच सकती। समझ रहे ना? राधा राधा।
भैया साइड पे बनाना है। आराम से हो जाएंगे, आराम से मतलब आराम से होंगे, आप तो बोलेंगे पहले वो आप राधे राधे हाई दर्द चल रहा है पीछे करते हैं करता हूँ कोई भी इनकू ना कर सके आप सभी से निवेदन है अपने मोबाइलों के फ्लैश ऑफ कर लें, मोबाइलों के फ्लैश ना जलाएं। आप लोग अपने मोबाइलों के फ्लैश ऑफ कर लें, मोबाइलों के फ्लैश ना जलाएं। आओ हो जाओ जाओ गुरु 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 आप सभी से निवेदन है फूलों की बोलितों को इधर ना फेंकें, उन्हें व्यवस्थित रखें, व्यवस्थित जगह पे ही फेंकें। फूलों की बोलितों को इधर उधर ना फेंकें, उन्हें व्यवस्थित रखें, व्यवस्थित जगह पे ही फेंकें। तो यही तो मैं साइड जाओ।
विद्यापीठ छोड़ेंगे, विद्यापीठ मिश्रा सवारी चलो हम कैसे करेंगे।